नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको आज जानकर बहुत खुशी होगी कि आज अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती आगामी एग्जाम के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए क्लासेस चालू कर दी गई है। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अपनी जो कोचिंग है अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू, पिछले जो भी आपकी 2 से 3 वैकेंसियां है, उस वैकेंसियों के अंदर इस संस्था के द्वारा ऐतिहासिक परिणाम दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको खुशी होगी, कृषि पर्यवेक्षक 2014-15 की जो वैकेंसी थी, इस संस्था के द्वारा 44 स्टूडेंट्स उस वैकेंसी में चयनित हुए थे। उसके बाद में जो अभी करंट के अंदर आपकी जो वैकेंसी गई है 1832 पोस्टों के अंदर, इस संस्था के द्वारा 32 स्टूडेंट सेलेक्ट थे, जो कि एक अपने आप में काबिले तारीफ रिजल्ट था। और उन रिजल्ट के लिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बहुत ही संस्था के लिए ऊपर प्रेम बनाए रखा है, विश्वास बनाए रखा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका प्रेम और विश्वास आगे भी संस्था के ऊपर इसी प्रकार से बना रहेगा। तो यहां पर अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है, इस कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, जो आपका कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती आगामी है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 100 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उन क्वेश्चनों का जो क्लासिफिकेशन होगा, जैसे अपन बात करेंगे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर को भी हम 3 भागों में डिवाइडेड करेंगे, जैसे इसमें एग्रोनॉमी आता है, एग्रोनॉमी से आपका 20 क्वेश्चन वर्टेज है, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। उसी प्रकार आपका जैसे होटी है, तो होटी में से भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन। एक आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस, यहां से भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर 100 में से आपके 60 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। बाकी बचे जो 40 क्वेश्चन है, उसमें से भी देखो अपन बात करते हैं, जैसे राजस्थान जो जीके है, राजस्थान जीके की अपन बात करना चाहेंगे, तो राजस्थान जीके के अंदर क्या है, राजस्थान जीके के अंदर देखो क्या होगा कि यहां पर मात्र 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और राजस्थान जीके के अंदर आपने देखा होगा मोस्टली आपका ज्योग्राफी, एक आता है आपकी जैसे हिस्ट्री है, उसके अलावा कला साहित्य है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। उसके बाद में अपन बात करेंगे हिंदी की, बात करते हैं तो हिंदी की जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, वहां पर 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो यहां पर ये देखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी हो ये होगी कि इसका जो अधिकतर जो वर्टेज है, वो अधिकतर वर्टेज किस सब्जेक्ट के द्वारा है, वो है आपके वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से है, क्योंकि यहां 100 में से 60 क्वेश्चन जो है वो आपके किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ये आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं। और आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और पिछले 8 साल से मैं इस सब्जेक्ट को बहुत आनंद महसूस करके, और बहुत ही ये मान लो कि एक बहुत ही गजब का लयताल के द्वारा मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि मेरे जो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट जो भी है, वो जुड़े हुए स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ने की बजाय सीखने का ज्यादा प्रयास करते हैं। यहां पर अपन बात करेंगे जो पिछली आपकी वैकेंसी थी उसके अंदर, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी 80% उस एग्जाम के अंदर आपसे यदि कट ऑफ गई है, तो आगामी भर्ती के अंदर पिछली वैकेंसी की अपेक्षा कुछ पोस्ट कम रहने की संभावना है, और थोड़ा कंपटीशन थोड़ा और टफ होने वाला है। इसलिए वो जमाने गए जब कृषि पर्यवेक्षक भर्ती ऐसा कहा जाता था, 1 महीने के अंदर पढ़कर मैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर चयनित हो जाऊंगा। यहां पर अपने को इस कट ऑफ को पार करना होगा, क्योंकि आगामी एग्जाम में हो सकता है इससे प्लस कट ऑफ रहे, और इस कट ऑफ को पार करने के लिए बहुत अच्छे संस्था और बहुत अच्छे टीचरों की आवश्यकता होगी। तो यहां अराइज स्टडीज के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बेहतरीन टीम के साथ, समर्पित टीम के साथ हम आपके सामने हाजिर है, और आप अपने विश्वास और अपने प्रेम को इस संस्था के ऊपर यूं ही बरकरार रखते हुए आप इस संस्था से जुड़िए। जो भी विद्यार्थी अराइज स्टडीज की ऑनलाइन सुपरवाइजर की क्लास से जुड़ना चाहता है, मैं उसको कहना चाहूंगा प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद में अराइज स्टडीज को डाउनलोड कीजिए, और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, जो भी आपका कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का जो बैच है, उसको सिलेक्ट करते हुए मात्र 1999 रुपए में इस संस्था की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िएगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर बात करेंगे, आज अपन एग्रोनॉमी का पार्ट नंबर जो फर्स्ट है, जिसमें अपन सॉइल की बात करते हैं, तो यहां पर
आज का जो पार्ट है उसके अंदर सॉइल की बात करेंगे कि सॉइल क्या होती है और सॉइल से किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा सॉइल जिसे अपन मृदा के रूप में जानते हैं, जिसे मृदा कहा जाता है, वो क्या है एक्चुअल में सॉइल। ये इस मृदा का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, पौधों के लिए मृदा किस प्रकार से आवश्यक है, ये इन सभी बातों के बारे में अपन धीरे धीरे डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज सॉइल, जो मृदा है मृदा क्या है और ये कहां से, कहने का मतलब इसका जो पहला जो वर्ड लिया गया वो किस भाषा के किस शब्द से लिया गया और वो शब्द भी है किस आधार पर तय किया गया। तो यहां पर देखिएगा, जैसे इस डेफिनेशन को अपन बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मर्दा है वो किस भाषा का शब्द है, लेटिन। यहां अपन बात करेंगे इस लेटिन भाषा का जो सोलम शब्द है, इस सोलम शब्द से कौन सा शब्द लिया गया, लेटिन भाषा के सोलम शब्द से ये मर्दा शब्द उठाया जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोरिया फर्स। यहां पर एक बार पुनः देखिएगा, मर्दा लेटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, फर्स या फ्लोर। सीधी सी भाषा में अपन बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर जो आपको ये फ्लोर दिखाई दे रहा है एक्चुअल के अंदर ये क्या है, ये आपका क्या है, सोलम है। ये क्या है आपके जो परत है, ये आपकी क्या है, एक मर्दा का फर्श है, फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले इससे पहले इसी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले अपन जनरल डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल डेफिनेशन के अंदर, अपन बात करेंगे मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है। ये प्राकृतिक जो पिंड है ये अपक्षय और विच्छेदन के दौरान, बात करेंगे अपक्षय और विच्छेदन किसका हुआ, जैसे आपने देखा होगा चट्टानों का अपक्षय हुआ, कई प्रकार की वनस्पतियों का जीव जंतुओं का क्या हुआ, विच्छेदन हुआ, और उनके विच्छेदन और अपक्षय के दौरान दबे जो मूल द्रव्य हैं उन मूल द्रव्य के द्वारा सोयल का निर्माण हुआ जो कि पौधे को यांत्रिक और पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है, इसे सोयल कहा जाता है। या पृथ्वी के ऊपर की कठोर पपड़ी को भी क्या कहा जाता है, मृदा या सोयल कहा जाता है। यहां पर देखिएगा मृदा क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है एवं जल तथा वायु की उपस्थित उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधे को यांत्रिक और जीविका प्रदान करने का कार्य करती है। बात करेंगे ये डेफिनेशन जो है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है बैकमैन और ब्रैडी। तो बैकमैन और ब्रैडी के द्वारा ये क्या है, आपके प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित व अपक्षयित कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील होने से प्रोफाइल के रूप में विकसित हुई है जो कि पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है और जल और वायु मिलने पर यह पौधे को यांत्रिक और जीविका प्रदान करने का कार्य करती है। यह आपका क्या है, सॉइल का डेफिनेशन है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सॉइल साइंस। दोस्तों यहां अपन बात करेंगे सॉइल साइंस जो है, सॉइल साइंस की जैसे अपन बात करते हैं इसे अपन कहते हैं मृदा विज्ञान। जो आपकी मृदा विज्ञान है, मृदा विज्ञान की बात करेंगे, इसके जो फादर है तो वो कौन है, फादर्स ऑफ सोइल साइंस जो है वो कौन है, तो फादर्स ऑफ सोइल साइंस की बात करेंगे विवी डोकुचेव। विवी डोकुचेव जो है वो क्या है, आपके मृदा विज्ञान के जनक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मृदा विज्ञान के जनक का नाम बताइए, तो दोस्तों मृदा विज्ञान का जो जनक है वो कौन है, विवी डोकुचेव। यहां पर अपन बात करेंगे जो मृदा विज्ञान है, मृदा विज्ञान को मोस्टली दो भागों में बांटा गया, एक है आपकी पेडोलॉजी और दूसरा है आपकी इडेफोलॉजी। यहां अपन बात करेंगे पेडोलॉजी क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा पेडोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं पेडोन। तो यहां पर देखिएगा पेडोन का जो अर्थ है, पेडोन, ठीक है, यहां पर पेडोन का अर्थ क्या होता है, मृदा, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपने देखा होगा 2015 के अंदर आपने ICAR के बायोलॉजी के पेपर में यदि आपने कभी देखा तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है पैडोन का संबंध किससे है, और ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर था वो क्या था, मृदा। तो पैडोन का जो संबंध है वो किससे है, मृदा के एक ढेले से इसका संबंध है। और लॉगस जो है या लॉजी है, लॉगस या लॉजी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में रिसर्च करना। तो यहां पर जो पैडोलॉजी है, पैडोलॉजी के अंदर जो मृदा की जो निर्माण की जो प्रोसीजर है जिसमें मृदा के जन्म निर्माण और एक आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसका जो विस्तार है, कौन सी मृदा कहां पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर मोस्टली कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भारत के अंदर एलुवियल सॉयल जो है आपका वो आपकी जलोढ़ या आपकी दोमट मृदा है, उसका ज्यादा एरिया है। राजस्थान के अंदर जिसे सैंडी सॉयल है आपकी बालू मृदा का अधिक एरिया है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका विस्तार है। तो यहां पर देखिएगा जो मृदा है उसका जन्म, उसका निर्माण और उसके विस्तार का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को पैडोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड जो ब्रांच है, सेकंड ब्रांच के बारे में बात करेंगे। सेकंड ब्रांच है आपका इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे कि जब मृदा का अध्ययन फसल संबंध के आधार पर किया जाए तो उस विज्ञान की शाखा को इडेफोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपका जो कॉटन है, कॉटन है, कॉटन के लिए बेस्ट जो सॉइल है वो कौन सी है, तो कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल की बात करेंगे, वो कौन सा सॉइल है आपके, ब्लैक। तो यहां पर अपन बात करेंगे ब्लैक सॉइल जो है वो किसके लिए सुटेबल होती है, आपके कपास के लिए। तो यहां पर जो हमने ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कशन किया, ये डिस्कशन जो है ब्लैक सॉइल जो है कपास के लिए किस प्रकार की सॉइल की आवश्यकता होती है, तो यहां पर अपन बात करेंगे दोस्तों कपास के लिए सबसे सुटेबल जो सॉइल है वो कौन सी आपकी, ब्लैक सॉइल। तो यहां पर जो मृदा का अध्ययन किया गया है वो मृदा का अध्ययन किस पे किया गया है, ये इस प्रकार से किया गया है फसल के संबंध के आधार पर। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है आपका, इडेफोलॉजी। जैसे सॉइल टेक्सचर है, मृदा निर्माण के जो पैटर्न है, जो उसकी प्रोसीजर है वो किसके अंदर आएगी, आपके पैडोलॉजी के अंदर। तो ये मोस्टली आपके सॉइल साइंस है, दो भागों में बटा हुआ है, पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी। उसके बाद में देखो इसके कुछ इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे आपने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2014 के अंदर भी देखा होगा, एक वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन था केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो यहां पर अपन बात करेंगे, जैसे उस एग्जाम को मैंने भी दिया और वहां पे कुछ समय के लिए मैं भी कंफ्यूज रहा, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था केंद्रीय मृदा, केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान। तो यहां पर देखिएगा जो केंद्रीय है उसको अपन किस नाम से जानेंगे, सेंट्रल। यहां पर लवणीय का मतलब क्या होगा, सैलिनिटी, सॉइल का मतलब क्या होगा, सॉइल, अनुसंधान का अर्थ क्या होगा, रिसर्च, और इंस्टीट्यूट का अर्थ क्या होगा, आपके संस्थान। तो यहां पर इसका जैसे हमने छोटा मीनिंग निकाला तो वो आया आपके सामने CSSRI। यहां पर देखिएगा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था, तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। ये कहां स्थित है आपके दोस्तों, ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश के अंदर आपको ट्रांसलेट करना आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 कृषि पर ये एग्रीकल्चर जो आपका जेट एग्जाम लगता है उसके अंदर क्वेश्चन आया कि निम्न में से निर्गमनोत्तर रूप में किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स ने जैसे वहां पर देखा निर्गमनोत्तर, तो निर्गमनोत्तर का वहां पे मीनिंग नहीं निकाल पाए, बल्कि इसका जो एक्चुअल जो आंसर था वो क्या था, इसका एक्चुअल आंसर ये था कि प्री इमरजेंसी स्टेज जो होती है उस स्टेज के ऊपर किस वीडी साइड का यूज किया जाता है, तो वहां हिंदी में उसको पकड़ पाना बहुत जटिल था। बाकी प्री इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आफ्टर सोविंग और प्री आपके जर्मिनेशन
बुआई के बाद और अंकुरण से पहले जिस वेडिसाइड का प्रयोग करते हो वहां आंसर था आपका पेंडीमिथैलिन। तो यहां पर देखिएगा सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है ये। उसके बाद में देखिएगा IISS, यहां बात करेंगे IISS की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस। तो यहां देखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस है, यहां अपन बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस है ये कहां स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस है ये भोपाल एमपी में स्थित है, ये भी बहुत गजब का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में नंबर तीन जो इंस्टीट्यूट है आपका वो है आपका वो है NBSS and LUP। यहां पर अपन बात करेंगे NBSS and LUP, नेशनल ब्यूरो सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो होता है वो कहां होता है, नागपुर महाराष्ट्र में। नेशनल ब्यूरो सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है ये इंस्टीट्यूट कहां है दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से सोइल के ये जो तीन इंस्टीट्यूट है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी दोस्तों को ये तीनों इंस्टीट्यूट है इनकी फुल फॉर्म और इनका जो पहले से ये इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है ये आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एक आता है आपके फैक्टर्स ऑफ सोइल, जो मृदा निर्माण के जो कारक है, मृदा निर्माण के कारकों की अपन बात करना चाहेंगे। यहां पर देखिएगा मृदा निर्माण के जो कारक है वो कारक कौन कौन से हैं, यहां पर देखिएगा मृदा निर्माण का जो पहला कारक है वो क्या है आपका, मूल पदार्थ। उसके बाद क्या है आपका, क्लाइमेट। उसके बाद में क्या है आपका, जीव मंडल, ठीक है। उसके बाद में काल समय जिसको पीरियड कह सकते हैं, और नंबर पांच पे क्या है बेटा आपका, ढलान रिलीफ जिसको कह सकते हैं अपन। मैं यहां पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अपनी जो सॉइल है, इस सॉइल का जो निर्माण है उस निर्माण के अंदर काम आने वाले उपयोगी जो कारक है उन कारकों के बारे में मैं एक लंबे डिस्कस के रूप में कहना चाहूंगा। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा एक बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर चलता है, वो चैप्टर है जैव उद्विकास। और जब मैंने उस चैप्टर का रिसर्च किया, उसका अध्ययन किया, और उस अध्ययन में मैंने यह पाया, आपने भी कई बार सुना होगा कि सोयल जो अपनी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी पहले एक आग के गोले के रूप में थी, और उस पृथ्वी के अंदर क्या हुआ कि वो आग का जो गोला था वो धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ, और धीरे धीरे ठंडा होने के बाद में उसमें जल और वायु का निर्माण हुआ। तो वहां पर देखिएगा बहुत लंबी प्रोसीजर का परिणाम है ये, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कम समय के अंदर जो है कि बहुत कम समय के अंदर वो जो पृथ्वी है वो ठंडी होके उसमें जल और वायु का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तो बहुत लंबी प्रोसीजर के दौरान उसके अंदर जल और वायु का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, उसके अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे पानी का निर्माण होने लग गया, हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो हाइड्रोजन का निर्माण होने के बाद में जैसे ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन के निकलने से उस समय पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु या वनस्पतियां वहां पर पैदा होना क्या हो गई स्टार्ट। बहुत लंबा चैप्टर है, उसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये चीज नोटिस करो कि एक आग का जो गोला था उसके अंदर पानी बना, वनस्पति बनी, जीवन बना, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स पैदा हुए, बहुत सारे जीव जंतु पैदा हुए, और धीरे धीरे सोइल का निर्माण हुआ। तो यहां एक मोटा सा आइडिया अपन देखते हैं मृदा का जो निर्माण है, उस मृदा का जो निर्माण है वो किन किन कारकों के द्वारा, ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनके द्वारा मृदा बनी। यहां पर अपन बात करेंगे मूल पदार्थ, वहां पर आपने देखा होगा कि पृथ्वी का बहुत बड़ा जो भाग था वो क्या था, ठोस। पृथ्वी का बहुत बड़ा जो भाग था वो क्या था, ठोस। पृथ्वी की जो आकृति थी आपने देखा होगा, पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसे है, गोल। लेकिन इस सराउंडिंग आकृति के अंदर इसकी जो टोपोग्राफी कह सकते हैं, इसकी जो स्थल की आकृति कह सकते हैं, वो गेंद के समान नहीं थी। बाहरी जो सरफेस था वो क्या था, इसका गोल लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर की जो आकृतियां थी वो आकृतियां उबड़ खाबड़ अवस्थाओं के अंदर स्थित थी। तो यहां सबसे पहली बात करेंगे अपन कि ये जो चट्टाने हैं
ये चट्टानी सोइल का क्या है आपका मूल पदार्थ। उसके बाद में देखो एक आता है आपका जलवायु, जलवायु के अंदर आता है आपका तापमान, उसके बाद आता है आपका वर्षण जिसे बरसात कह सकते हैं, एक है आपका हवा, ठीक है, तापमान है, वर्षण है, हवा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है जिसे दाब है आपके। अब जलवायु जो है, जलवायु के जो फैक्टर है टेम्परेचर, वर्षण, एयर और प्रेशर। यहां मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो चट्टाने थी, ये चट्टाने कहने का मतलब जलवायु के कारण, और जलवायु में जैसे टेम्परेचर आपने कई बार देखा होगा, जैसे कई बार सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गर्मियों में टेम्परेचर 50 के आसपास चला जाता है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने के कारण चट्टानों के अंदर बर्फ जो था, पानी था, वो बर्फ के रूप में बदला, आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ने से चट्टाने टूटना स्टार्ट हुई। दूसरा ये टेम्परेचर था, वर्षण, वर्षात के कारण जैसे यहां वर्षात गिरेगी तो इसकी जो चोटी है वो टूटकर नीचे की ओर आएगी। इसका मतलब आपने देखा होगा जैसे अपन बजरी देखते हैं, बजरी के अंदर आपने देखा होगा कि गोल गोल पत्थर नजर आते हैं अपने को, लेकिन एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो वो गोल पत्थर था क्या, वो इतना सा पत्थर था, हो सकता अपनी बिल्डिंग जितना बड़ा हो, यहां जब वो टूटा हो सकता अपनी बिल्डिंग जितना बड़ा हो, हो सकता बहुत बड़ा हो, लेकिन वो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, वो बिल्कुल इतना सा गेंद जितना सा रह गया। तो यहां ये पत्थर बहुत बड़े आकार में था, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते ये मात्र कितना बचा, गेंद जितना। तो इसका मतलब इस पत्थर के छोटे 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 क्या हुए, टुकड़े हुए, और वो टुकड़े आगे जाके देखो सोयल का रूप लेंगे। इस प्रकार वर्षा के द्वारा भी सोयल का निर्माण हुआ है। एक हुआ है बेटा आपके हवा के द्वारा, यहां डिस्कस करेंगे हवा के अंदर क्या है। आपने देखा होगा कई बार जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, अपन ये देखते हैं हवा बहुत तेजी से बहती है और हवा अपने साथ सैंडी सोयल बालू के कणों को बहाकर लाती है और अपने से टकराती है, तो अपने कई बार क्या होती, चोट सी लगती है। वैसे ही कई बार तेज हवा में मिट्टी के कण आते हैं और वो पहाड़ों से टकराते हैं, और पहाड़ों से टकराने के कारण जो चट्टाने हैं उन चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रेशर की बात करेंगे। कई बार आपने देखा होगा अपने जैसे मकान के अंदर फर्श लगाते हैं, तो मकान के अंदर जो फर्श लगाते हैं उसमें कई बार क्या होता है, नीचे प्रेशर पैदा होता है, और प्रेशर पैदा होने के कारण अपना जो फर्श होता है वो टूट जाता है। उसी प्रकार बहुत सारी चट्टाने दाब के कारण क्या होती है, टूट जाती है और वो बिखर जाती है। इस प्रकार से अपक्षय के लिए क्लाइमेट एक बहुत बड़ा प्रभावी कारण रहा है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नंबर 3 पे है बायोस्फीयर। दोस्तों बायोस्फीयर की बात करेंगे, जैसे मृदा के अंदर मुख्य जो सिलिका है वो तैयार हुई आपके मूल पदार्थ से, उसको तोड़ने का कार्य किया क्लाइमेट में, लेकिन उसके अंदर और सारी चीजों की जो कमी थी वो कमी किसने पूरी की, बायोस्फीयर जैव मंडल ने। जैव मंडल में बहुत सारे एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपकी वनस्पति है, इन्होंने क्या है, इनके सहयोग से क्या हुआ है, ये सड़ गलकर पुनः उसी के अंदर समाहित हो गई और मृदा निर्माण में अपना एक अहम योगदान दिया। नंबर 4 है बेटा आपके काल या पीरियड। मैं बताना चाहूंगा कि ये जैसे आज अपने को पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम समय के अंदर ऐसा संभव हो पाया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 800 से 1000 वर्ष में मात्र 1 इंच मोटी सोयल की परत का निर्माण होता है। तो अपनी मृदा निर्माण की जो प्रोसीजर है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो हजारों लाखों अरबों सालों से चली आ रही है। तो यहां अपन बात करते हैं, अपने लिए जो क्वेश्चन तैयार होता है वो क्वेश्चन ये तैयार होता है कि 1 इंच मोटी परत बनने में कम से कम कितना समय लगता है। तो 1 इंच मोटी परत बनने में 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे ढलान की। तो यहां पर दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे ढलानदार एरिया है, जैसे यह है तो यहां ढलान है ऐसे,
तो यहां से कोई चट्टान टूटी, वो यहां आते आते वो चट्टान क्या होगी, बिल्कुल छोटी होगी। तो यहां इन चट्टान के टूटते टूटते है ना, यहां पर भी सॉयल निर्माण के अंदर इसने भी एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है। तो ये वो फैक्टर्स थे जिनके कारण मृदा का जो निर्माण हुआ है। अब अपन बात करेंगे मृदा निर्माण के बाद में, जैसे ये सब चीजें होने के बाद में पहाड़ों के द्वारा कटकर जो आई हुई सोयल है बजरी के रूप में पानी के द्वारा अपने एरिया के अंदर फैल गई, और ये आज है ना बहुत लंबी अवधि के बाद में सोयल का इसने रूप ले लिया। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन मृदा कंपोजिशन। मृदा जो कंपोजिशन है, सोयल कंपोजिशन है, सोयल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि अब जो फाइनली रूप से जो सोयल तैयार हुई है, इस फाइनली सोयल के अंदर कौन से कंपोजिशन या कौन से अवयव की कितनी परसेंटेज मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, जैसे अपन है ना ये आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम के अंदर आपने नोटिस किया होगा, इस डायग्राम के अंदर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि ये अपनी जैसे सोयल है, इस सोयल का ये 50% जो है वो सॉलिड है, ये जो आपका 50% है वो क्या, ये 50% आपका ठोस था और ये लिक्विड और क्या था आपका गैसीय। ये 50% क्या है आपका, लिक्विड या गैसीय है। यहां इस सॉलिड के बारे में बात करना चाहेंगे, यहां इस सॉलिड के अंदर देखिएगा इसके 50% का 45% जो है वो क्या है आपका मिनरल्स, इसमें मोस्टली क्या है आपके खनिज है, और यहां पर जो 5% है उसमें क्या है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल। बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो क्या है आपका कार्बनिक पदार्थ 5%, खनिज पदार्थ आपके कितने हैं 45%। और इसके बाद में अपन बात करेंगे ये जो आपका बचा हुआ 50% मटेरियल है इसके अंदर देखा होगा 25% में क्या है आपका एयर वायु, और 25 में क्या है आपका वाटर। लेकिन यहां आपने यदि गौर करके देखा हो तो यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, यह आपको एक अलग सी संरचना यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि जब यहां पर मृदा में वायु की अधिकता होती है तो यहां पर वाटर की कमी होती है, और वाटर की अधिकता होती है तो उसमें एयर की कमी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह अपना खेत है और इस खेत में हमने पानी पिलाया, आपने देखा होगा जब खेत में अपन पानी पिलाते हैं तो खेत में पानी पिलाते समय जब पानी मृदा के नीचे जाता है तो हवा के रूप में बुलबुले बहुत सारे बाहर निकलते हैं। वो क्या है, वो ये है कि जैसे ही मिट्टी में पानी गया, पानी जाने के साथ उस मिट्टी के अंदर जो गैस थी वो गैस क्या निकली आपके बाहर आई है, तो वो गैस क्या हुई है आपके बाहर आई है। तो यहां पर ऐसा होता है मृदा में पानी की अधिकता के साथ उसमें गैस की जो मात्रा है उसमें क्या होती है कमी, लेकिन जैसे ये नम खेत है जैसे जैसे सूखता जाता है एयर की मात्रा इसके अंदर बढ़ती जाती है। तो यहां पर आपसे पूछा जाए 25% एयर है, 25% आपका वाटर है, 45% मिनरल्स है, और ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है दोस्तों उसमें 5%। तो आपसे पूछा जाए मृदा अवयव में मृदा कंपोजिशन में ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी है दोस्तों, वो दोस्तों आपके मात्र 5% है। मिनरल्स जो खनिज होता है उसकी कितनी मात्रा है 45% है। इसके अलावा जो वाटर है जल की कितनी मात्रा है आपके, वो है आपके 25%, और हवा की जो मात्रा है वो भी कितनी है आपके 25%। लेकिन जब जल की मात्रा बढ़ेगी हवा की मात्रा वहां पर क्या होती जाती है आपके कम होती जाती है। और मेरे को महसूस हो रहा है मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास देख रहे हैं उनको काफी इंटरेस्ट आया होगा, और मैं प्रयास कर रहा हूं आपको दोस्तों फ्लो में लेने का, और सॉइल जो है इसको सीखने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों एग्रीकल्चर यूं भले ही कहा जाए सिंपल है, लेकिन इसकी एग्जाम को क्लियर करना अपने लिए काफी चुनौतीपूर्ण सफर है, इसलिए एग्रीकल्चर को रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सॉइल कौन सी भाषा का शब्द है, किससे लिया गया है, रियल अर्थ इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या थी, सोइल साइंस का फादर कौन था, इसकी ब्रांच कितनी है, इसके फैक्टर कौन से हैं, इसके कंपोजिशन के अंदर कौन कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में अवेलेबल है, ये सब चीजें कहने का मतलब अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को एक मोटा सा आइडिया रहना चाहिए
कि हमने जो हमारा जो टॉपिक तैयार किया है उसका मैप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको आपको माइंड सेट करना है, हमने इस टॉपिक को किस टाइप से पढ़ा है देखिएगा। अब यहां पर जो आपका एयर वाला जो हिस्सा है, जो आप यहां पर 25% एरिया में एयर पाया जाता है सोइल के, इस एरिया में गैसों का जो अनुपात है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, जो नाइट्रोजन है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है आपके 78%। यहां पर दोस्तों बात करेंगे जैसे ऑक्सीजन की बात, एक वायुमंडल की बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21%। उसके बाद में CO2 जो है, CO2 की मात्रा कितनी है 0.3%, या जिसको अपन कह सकते हैं 3000 ppm। ये जो मैप है, ये मैप मैं बता रहा हूं आपको, ये किसमें है आपके सॉइल में। लेकिन यहां पर देखिएगा कि इसको 21 या इसको 20.7 भी आप है ना कह सकते हो। यहां पर यह चीज देखिएगा, मृदा के अंदर CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है आपके 0.3, लेकिन वायुमंडल के अंदर बात करेंगे ये जो मात्रा है वो कितनी है आपके 0.03% वायुमंडल में इसकी मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहां पर 3000 ppm, और इसको अपन क्या बोलेंगे 300 ppm। ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोइल के अंदर CO2 की सांद्रता कितनी होती है 3000 ppm या 0.3%। और उसके बाद बात करेंगे वायुमंडल के अंदर CO2 की सांद्रता कितनी है दोस्तों 300 ppm या 0.03%। इस प्रकार से सॉइल कंपोजिशन जो है वो आपका कंप्लीट है। जल 25%, हवा 25%, जल की अधिकता के साथ एयर का परसेंटेज कम होता जाता है। कार्बनिक पदार्थ 45%, और ये सॉरी कार्बनिक पदार्थ 5%, और मिनरल्स कितना है दोस्तों आपका 45% के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका मृदा का जो क्लासिफिकेशन है, जो आपका सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिएगा पहला आता है मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर। तो दोस्तों सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं, जैसे एक आता है आपका बालू, एक आता है आपका सिल्ट, और एक आता है आपका मृत्तिका। अब इन तीनों का जो अनुपात है, इस अनुपात के सापेक्ष को अपन क्या बोलेंगे मृदा कणाकार। इसे दोस्तों क्या कहते हैं मृदा कणाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल टेक्सचर बालू सिल्ट मृत्तिका के कणों के आकार के सापेक्ष अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। यह है कैसा है, मृदा का स्थायी गुण है। यहां पर डिस्कस करते हैं, ये मृदा का एक परमानेंट गुण है, क्योंकि आपने देखा होगा कृषि क्रियाओं के द्वारा मृदा संरचना में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सॉइल टेक्सचर जो होता है मृदा कणाकार होता है, उसमें कृषि क्रियाओं के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आपसे पूछा जाए जो मृदा कणाकार क्या है, बालू सिल्ट और मृत्तिका के सापेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है, और ये मृदा का एक स्थायी गुण है। अब डिस्कस करेंगे मृदा कणों के आकार के आधार पे मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों यहां पर मृदा को चार भागों में बांटा गया है, एक आता है मोटी बालू, एक आता है महीन बालू, एक आता है सिल्ट, और एक आता है दोस्तों कले। यहां पर डिस्कस करेंगे मोटी जो बालू है, मोटी बालू में बात करेंगे मिट्टी के जो कण है इनकी जो साइज है वो 2 से 0.2 mm तक। आपसे पूछा जाए मोटी बालू के अंदर मृदा कणाकार में मृदा कणों की जो साइज है वो कितनी है 2 से 0.2 mm तक। महीन बालू में 0.2 से 0.02 mm तक। उसके बाद में सिल्ट की बात करेंगे 0.02 से 0.002 mm तक। ये क्या है आपका सिल्ट है। नंबर चार है क्ले, लेस देन 0.002 mm, ये आपका क्या है क्ले। और इसमें से सबसे मोस्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो कौन सा है बेटा, वो है आपका क्ले सोइल,
जो है उसका सोइल टेक्सचर मृदा कणाकार जो है उसकी साइज क्या है, यहां मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन 0.002 mm, इसका मतलब ये होता है क्ले मृदा जो होती है इसके जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, और इसके कणों की जो साइज है वो कितनी है, 0.002 mm से कम इसकी क्या होती है, साइज होती है। ये क्या है, इस प्रकार से मृदा कणों के आकार के आधार पे मृदा को हमने चार भागों में बांटा गया है। वो चारों भाग आपके सामने है, मोटी बालू 2 से 0.2 mm तक, महीन बालू 0.2 से 0.02 mm तक, सिल्ट है 0.02 से 0.002 mm तक, क्ले की बात करेंगे वो है वो दो ये 0.002 mm से कम। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। उसके बाद बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। दोस्तों सॉइल जो स्ट्रक्चर है, सोयल स्ट्रक्चर की बात करेंगे मृदा संरचना, और मैं आपको बताना चाहूंगा मृदा संरचना क्या होती है। सोयल टेक्सचर के बारे में हमने बात करा, बालू सिल्ट और मृत्तिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को सोयल टेक्सचर कहा जाता है। यहां अपन बोलेंगे सोयल स्ट्रक्चर मृदा कणों के अरेंजमेंट को, मृदा कणों के व्यवस्थापन को, इनका मृदा के कणों का सही अरेंजमेंट है, सही व्यवस्थापन है, उसी को मृदा संरचना कहते हैं। और ये क्या है, मृदा का अपरमानेंट गुण है ये। आपने वहां टैक्सर के अंदर देखा वो क्या था, मृदा का परमानेंट गुण था, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। ये मृदा का क्या है बेटा, आपके अस्थायी गुण है। और इसके अंदर मृदा के अस्थायी गुण के अंदर क्या है, ये समय के साथ और कृषि क्रियाओं के साथ इसको परिवर्तन किया जा सकता है, ये आपका अपरमानेंट गुण है। बात करेंगे जो मृदा स्ट्रक्चर है उसको हमने मोस्टली चार भागों के अंदर बांटा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपको यहां पढ़ने में। तो यहां सोइल जो स्ट्रक्चर है इसको हमने चार भागों में बांटा है दोस्तों, जिसमें नंबर फर्स्ट है आपका प्लेटी। नंबर फर्स्ट के अंदर अपन बात करेंगे प्लेटी। प्लेटी के अंदर देखो, प्लेटी जो है उसकी जो शब्द का जो निर्माण हुआ है वो प्लेट के आधार पे हुआ है। किसके आधार पे हुआ है, प्लेट, प्लेट के समान जो आकृति है उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, प्लेटी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। एक क्या होता है आपका ऊर्ध्वाधर। दोस्तों क्षैतिज जो है इसको बोलेंगे हॉरिजन और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। एक आपका क्षैतिज है जिसको बोलेंगे हॉरिजन और इसे बोलेंगे दाएं से बाएं, और ये क्या है आपका ऊपर से नीचे। यहां तक समझ में आ रहा होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं। यहां पर देखिएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या है, क्षैतिज दाएं से बाएं, प्लेटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्लेटी के अंदर इसके अंदर हॉरिजन डेवलपमेंट रहता है और इसका वर्टिकल जो होता है वो हॉरिजन की अपेक्षा कम विकसित होता है, और एक ऐसी आकृति का निर्माण होता है जो प्लेट के समान हो। उस संरचना को किस नाम से जानेंगे दोस्तों, प्लेटी के नाम से। डेफिनेशन के रूप में इसको बदलेंगे कि जिस मृदा संरचना में होरिजन अधिक विकसित हो बजाय वर्टिकल की, ये आपका होरिजन विकसित है वर्टिकल की अपेक्षा। सिंपल सी भाषा में बात करेंगे, ऐसी स्ट्रक्चर को प्लेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिज्मीय। प्रिज्मे में क्या होता है, जस्ट विपरीत होता है, वर्टिकल डेवलपमेंट रहता है बजाय होरिजन के, और उसके अंदर सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होती है, इसमें इस प्रकार की सॉइल स्ट्रक्चर होती है। यहां पर देखिएगा ये आपकी क्या है, ये विकसित है और इसकी लंबाई क्या है दोस्तों, आपके कम है। इस संरचना को प्रिज्म के समान या प्रिज्मे संरचना कहा जाता है। ब्लॉकी के अंदर बात करेंगे, किनारे तेज तीखे चपटे, तो हो सकता है ऐसा भी हो ब्लॉकी के अंदर कि जो मृदा संरचना है
इसके किनारे तेज तीखे चपटे होते हैं, तो ये किनारे तेज तीखे चपटे, ये ब्लॉकी है आपका। और एक आता है दोस्तों गोलाकार, गोल लेकिन अनियमित, इसके किनारे प्योर, जिसको गेंद के समान या अंडे के समान कह सकते हैं, वैसे नहीं होते लेकिन थोड़े टेढ़े मेढ़ी अवस्थाओं में गोल लिए हुए संरचना में ये मृदा संरचना पाई जाती है। अब यहां पर ये आपका सॉइल स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट है। आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम मृदा संरचना कौन सी है? दोस्तों कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम जो मृदा है, क्रोम्बिया दानेदार, क्योंकि इस मृदा की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल तीनों प्रकार की जो कंडीशन होती है वो एब्सोल्युटली राइट होती है, बिल्कुल ठीक होती है। इस कारण मृदा के अंदर सबसे, कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी है? क्रोम्बिया दानेदार। तो आज की जो क्लास थी बहुत गजब की क्लास है, और मैंने आपके चेहरों को नोटिस किया है और मैं फील कर पा रहा हूं कि आप मेरी क्लास को इंजॉयफुल तरीके से आप देख रहे होंगे। और मेरा जो प्रयास था वो सॉइल के पार्ट फर्स्ट को बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का था, और आपने काफी समझा होगा, सीखा होगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। और अंत के अंदर आपसे मैं फिर से अपील करना चाहूंगा दोस्तों, आपको कृषि प्रवेशक आगामी भर्ती की सर्वोत्तम तैयारी के लिए अराइज, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है, अराइज स्टडीज का जो ऐप है, इस ऐप से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, और इस चैनल से जुड़कर मात्र कम से कम कॉस्ट के अंदर कृषि प्रवेशक भर्ती की आप तैयारी कर सकते हो। जय राजस्थान, जय राइज।